ध्यान से सुनो, ये सोलर पैनल दिन में काम करता है, लेकिन तुमको कुछ ऐसा करना है कि ये रात में काम करे। लेकिन ध्यान रहे, ये जो सोलर पैनल है वो सनलाइट से ही ऑपरेट हो, एक्सटर्नल दूसरा किसी चीज का लाइट इस पर नहीं पड़े। और हाँ, सनलाइट का एनर्जी किसी फॉर्म में यूज कर सकता है, लेकिन सनलाइट का ही एनर्जी होना चाहिए। या तो इस सोलर को कन्वर्ट कर दो, या फिर कुछ ऐसा सोलर पैनल बना दो जो रात में काम करे। ये कैसे होगा? यही तो दिमाग लगाना है, ये बहुत थोड़ा सा सोचने वाली बात है, हो जाएगा। ट्राई करता हूं। इनको तो हमने चैलेंज दे दिया और ये पूरा भी करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में इससे भी ज्यादा बढ़ के मेरे लिए चैलेंज है। यहाँ पर देखिए, ये है डीसी मोटर जो कि चलता है 1500 वाट से, और इसमें सोलर पैनल लगता है 4 से 8 सोलर पैनल लगता है, तब जाके ये चलता है। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये है कि इसे मैं एक ही सोलर पैनल से चला दूं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग काम है कि एक सोलर पैनल से 1500 वाट निकाल दिया जाए और ये चलने लगे, ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो इसके लिए मेरे पास है एक बहुत ही पावरफुल सोलर पैनल। इधर लेके आ जाओ रामू, ये देखिए, ये है जन सोलर कंपनी का एक सोलर पैनल जो कि 400 वाट का है, और हमारा मोटर है 1500 वाट का। अभी भी इसे हम लोग नहीं चला सकते हैं इस मोटर को, लेकिन इस सोलर पैनल पर हम लाइट को कंसंट्रेट करेंगे बहुत सारे मिरर को लगा करके। तो रामू, सबसे पहले तो इसको अनबॉक्सिंग किया जाए, आ जाओ। तो भाई साहब, यहां पर देख सकते हैं, ये है जन कंपनी का सोलर पैनल। वहां पर देखिए जन सोलर, और इसका पावर भी दिखाते हैं कितना पावर है। यहाँ पर देखिए, जन सोलर का जो सोलर पैनल है ये 400 वाट का है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही पावरफुल सोलर पैनल है, आप इनके वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मिलते रहते हैं, और इसका मैं पर्सनली भी मैं पहले से यूज किया हूँ, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तो इस तरह का सोलर पैनल लेना होगा ना तो आप ले सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम लोग मिरर सजाते हैं और फिर इसको कंसंट्रेट करते हैं इस पर लाइट। तो अभी तो हमने यहां पर सोलर पैनल रख दिया है और ये बिल्कुल न्यू है, तो देखते हैं अभी बिना लाइट को कंसंट्रेट किए अभी किसी मिरर में से लाइट कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, सबका डायरेक्शन अलग अलग जा रहा है। तो अभी इसे चला के देखते हैं कि नॉर्मल सनलाइट में ये मोटर चल पाता है या फिर नहीं। लाओ तो इधर, तो चलिए सबसे पहले तो नॉर्मल सनलाइट में इस सोलर पैनल का एम्पियर देखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट करंट में कितना एम्पियर दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 एम्पियर दे रहा है, वो भाई साहब 8 एम्पियर दे रहा है। और इसका वोल्टेज चेक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 45 वोल्ट दे रहा है नॉर्मल सनलाइट में। अभी चलिए इसमें ये मोटर जोड़ के देखते हैं ये चल रहा है या फिर नहीं। तो इसको सिंपली कनेक्ट करते हैं प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जोड़ दिया है लेकिन ये मोटर नहीं चल रहा है इतना पावर से। तो अभी मैं इसका एम्पियर भी टेस्ट कर ले रहा हूँ कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। अभी लगभग यहाँ पर 4 एम्पियर ले रहा है और ये चल भी नहीं रहा है। तो अभी हम इस पर सनलाइट कंसंट्रेट करते हैं और फिर देखते हैं ये चल पा रहा है या फिर नहीं। इसको सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए काफ़ी पोजिशनिंग की ज़रूरत है। सॉरी, देखिए ये कैसे टूट गया, यहाँ से नज़दीक करो। A few moments later. तो दोस्तों, यहाँ पर सारे मिरर को कुछ खास एंगल में मैंने सजा दिया है और यहाँ पर सारे लाइट यहाँ पर कंसंट्रेट हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरा हाथ देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट हो जा रहा है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाने पर ब्राइट हो जा रहा है। शायद कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट कंसंट्रेट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि इससे चल पा रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर अब कनेक्ट कर रहा हूँ। ओ भाई, यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब चलने लगा। इतने सारे मिरर लगाने पर यहाँ पर फायदे वाली बात ये है कि सोलर जो होता है ना वो कॉस्टली होता है, लेकिन मिरर कॉस्टली नहीं होता है। और इस तरह से हमने पावर को बढ़ा दिया है सनलाइट को कंसंट्रेट करके, लेकिन अभी भी ये उतना भी ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है जितना हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें और भी तरीका अपनाना होगा। तो यहाँ पर रामू, सबसे पहले तो इस पर पानी, ये सोलर जब गर्म हो जाता है ना तो कुछ परफॉर्मेंस इसका कम हो जाता है। ये सारे सनलाइट कंसंट्रेट हो रहे हैं चेहरा पर भी। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसके पावर को बढ़ाने के लिए
ठंडे पानी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ठंडा पानी में जब डालूंगा तो उसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं इस मोटर का जो पावर है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। अभी हम लोग इसमें पानी भी चला के देखने वाले हैं कि कितना तेज से ये पानी दे रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक पाइप कनेक्ट कर दिया हूँ और इसमें मैं मैनुअली पानी भर दे रहा हूँ ताकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, कोई ज़्यादा पानी चलाना नहीं है। तो इसमें मैं पानी भर दे रहा हूँ और ये इजिली ही खींच लेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, वो देखिए भाई, एक सोलर पैनल से वो पानी देखिए, अभी पानी ही खत्म हो गया यार। ये देखिए यार, देखिए ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल पानी दे रहा है यार, ये छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर लीकेज ले रहा है। बंद करो, यहाँ पर लीकेज ले रहा है और पानी देख सकते हैं कितना मस्त दे रहा है एक सोलर पैनल से। यार इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जब हम लोग मिरर लगाए हैं। तो अभी हम इसमें और ज़्यादा पानी भर रहे हैं और सोलर का भी ठंडा कर रहे हैं। सोलर में अगर हल्का वाटर दिया जाए तो वो डेढ़ गुना अधिक परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी सनलाइट पूरा कंसंट्रेटेड है और मैं सोलर पैनल को भी अब ठंडा कर दे रहा हूँ और फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सोलर पैनल को ठंडा कर दिया हूँ और रामू रेडी है, स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट करो रामू। ओ भाई साहब ये देखिए यार, इतना पानी यार एक बार में। भाई यहाँ पर हमने इस पाइप में पानी भर दिया था और ये पाइप निकल गया, लेकिन पानी जो आपने देखा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सोलर पैनल से हमने इतना ज़्यादा पानी निकाल दिया। और यहाँ पर ये सनलाइट को कंसंट्रेट करके, हाँ ये टेक्निक हम लोग अपना सकते हैं, यहाँ पर एक पाइप लगा दें। अगर यहाँ पर पानी जब हम लोग कहीं भी पटाते हैं तो वहाँ पर अगर यहाँ पर एक पाइप लगा दें पतला सा और यहाँ पर वाटर फ्लो कराते रहें तो ये डेढ़ गुना अधिक परफॉर्मेंस देगा। और यहाँ पर जो जन सोलर कंपनी का ये सोलर पैनल है, वो एक ही सोलर पैनल, जन सोलर कंपनी के एक ही सोलर पैनल से हमने पानी निकाल दिया, वो भी 1500 वाट वाले मोटर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया था, यानी कि मैं इस चैलेंज को पूरा कर दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अरे क्या कर रहा है भाई, इधर आ जा। क्या सॉल्व हो गया? नहीं, तुम्हारा चैलेंज मैग्नेट ढूंढ रहा था। मैग्नेट से कैसे होगा? सोच रहा था कुछ, मुझे एक दिन का और समय चाहिए। अच्छी बात है, तो इसको दिया जाएगा एक दिन का समय है। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे रात में सोलर पैनल काम कर सके तो नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा। और हाँ, मैंने जो अभी सोलर पैनल से एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरा तरह से सफल हो गया। जो जन सोलर कंपनी का मैंने सोलर पैनल यूज किया था जो कि बहुत अच्छा से वर्क किया, बहुत ज़्यादा लाइट देने के बाद भी अच्छा से वर्क कर रहा है। और जन सोलर कंपनी का मैंने वेबसाइट भी चेक किया, बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पर मिल रहे हैं। आप जाइए, अगर आपके दुकान है या सोलर लगवाना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को देखिए, और ख़रीदना है तो खरीदिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।